जी आ रही है, इसके काम देखें साबरा। हाँ। इसने ना इतना सामान लिया हुआ है ना घरों से, मैं आपको गठली बांधी हुई है इसने, ठीक है ना। हर हफ्ते और हर हफ्ते जो है ना यहाँ पे चक्कर लगाती है। तो अम्मी और अबू को देख रही है इधर, अम्मी और अबू को देख रही है, अम्मी और अबू को देख रही है इधर आके बैठ गई है। मुकद्दस भी उधर, तेरी तो कहीं बड़े ना खड़ा ते को मैं आना पेगा नड़ी तेरी दिखे ना आज सारे को YouTube वाले को दिखे ना मैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जी बारिश आप देख चुके हैं, तो मौसम माशाल्लाह कितना कितना प्यारा है, और थोड़ी बहुत बारिश आई है, अल्लाह करे ज्यादा आए भी ना, क्योंकि फसलों को बहुत ज्यादा फिर नुकसान होगा। फसलें जो है ना पक चुकी हैं, और हमारा गंजा देखें, हमारा गंजा देखें, हमने बेटी को गंजा करा दिया। मुकद्दस इसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रहे थे, कानों को ऐसे 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 करती थी, खुजली मचती थी इसको, इसलिए हमने कहा कि इसके बाल अभी कटवा देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। तो इस वजह से माशाल्लाह सारी इसका बहुत प्यार लग रहा है, गोनी बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी थोड़ी देर धूप निकल आए, फिर इसको नहलाते हैं, फिर इसको फ्रेश करते हैं। अभी फिर सर्दी थी, सुबह सुबह जो है ना नहीं आया जाता है, तो हमने बाल तो कटवा दिए, लेकिन अभी नहलाया नहीं है। थोड़ी देर में नहलाते हैं इसको, इसके कपड़े भी फिर चेंज करेंगे। तो जी ये देखिए पौधे कितने प्यारे हैं, और मुकद्दस यहाँ आके इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, बहुत ज़्यादा है ना मुकद्दस, प्यारे प्यारे हैं, मुकद्दस के हैं, मुकद्दस के हैं, है ना, है ना, ऐसा ना। तो जी यकीन माने रात मैंने फिलिस्तीन की दोबारा से वीडियो देखी हैं, दिल को ऐसे कुछ हुआ है कि ना पूछें, अल्लाह ताला बस उनको इस मुसीबत से निकाले जिसमें वो फंस चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मुकद्दस है, इससे भी थोड़े बड़े भी हैं, आमीन, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आमीन, इन मुश्किल हालात से लड़ने का उनको देना हौसला दे, आमीन, अल्लाह ताला बस सबको सलामत रखे। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जी घर का काम ही शुरू करेंगे, रोटी शोटी भी बनाएंगे। तो अभी दूध वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक दूध वाला नहीं आया है। तो वो गंदम इधर देखें सारी कट चुकी है, तो बारिश आने की वजह से ये थोड़ी सी बची हुई थी, उन्होंने रोक दी क्योंकि फिर ये गीली हो गई थी। तो और आज धूप निकल रही है, तो इंशाल्लाह आज भी काटेंगे, तो तकरीबन 8-10 दिन में ये सारी गंदम जो है ना ख़त्म हो जानी है, तो हमारी भी जान छूट जाएगी। हमें एलर्जी होती है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना मुकद्दस बेटा, देखिए अभी देख रही है। तो जी जो दो दिन से वीडियो नहीं आई हमारी, तो आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों नहीं आई, तो असल में उसकी वजह यह है कि कुछ ज़रूरी काम पड़ गए थे, तो इस वजह से व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर कल बारिश आ गई, तो मौसम जो है ना अच्छा तो था, लेकिन थोड़ी बहुत मसरूफियात इस वजह से वीडियो नहीं बनी। बारिश आने की वजह से एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमारे जो पौधे थे दरख्त थे बहुत खुशहाल हो गए, ये देखिए कितने पत्ते निकल गए हैं, और ये पौधा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब ये निकलेगा, नीचे से कुछ भी नहीं था, हमने इसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया, पता नहीं कैसे निकला है। बस अल्लाह ताला जो कहते ना कि जो नसीब में होता है वो आता है। एक तो मस्जिद के सामने है इसलिए हमने लगाए थे, और ये वाला पौधा भी बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन अब माशाल्लाह से देखें बहुत प्यारा निकल आया, क्योंकि पानी अब हर वक्त लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऊपर से बारिश भी आ रही है, तो इस वजह से। तो जी आपको चल के आज पूरी दिखाते हैं, जो कि ताज़ा फ्रेश निकली हुई है, जो कि हमारे गांव में अब सिर्फ वो इन्हें भूसा निकल रहा है, दाने निकल रहे हैं, अगर वो हो सका तो ज़रूर दिखाएंगे दाने वगैरह, लेकिन भूसा भी चल के दिखाते हैं। तो जी ये देखें यहाँ पे डेरी लगी है, थ्रेशर लगी है, और थोड़ा सा भूसा है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी, बस इतनी सी ज़मीन का ये थोड़ा सा भूसा निकला, और थोड़े से दाने जो है ना, क्योंकि बारिश आ रही थी तो सारे इन्हें अंदर रख दिए हैं। अभी ये देखिए कचरा बहुत ज्यादा है ना, ये मैं बताऊँ ना, जब तक ये आपको पता है एक दिन बारिश आ जाती है, दूसरे दिन मशीनें आती हैं,
वो मशीनें सारी रुकी हुई हैं। वही तो देखे तकरीबन सारा 50% जो गंदम है ना वो इस वक्त काटी जा चुकी है, 50%, ठीक है ना। बाकी 50% रहती है, उसकी वजह ये है कि एक दिन की बारिश जब आती है तो एक दिन दोबारा जो गंदम है सूखती है, ठीक है ना, इस वजह से। तो ये देखें, ये भी अभी भी ये देखें, ये आपको हाथ लगाओ ना ऐसे, देख देखो ये इतना बिल्कुल वो नहीं है, मतलब ये नरम छोटा हुआ नहीं पड़ा है, है, छोटा छोटा नहीं है भूसा, नहीं नरम हुआ पड़ा है ना बारिश की वजह से। बारिश ना आती फिर तो सूख जाता। मेरा बेटा सैर कर रहा है, गांव की सैर कर रहा है। जी, और ये गठलियां जो है ना पीछे आप देख सकते हैं ये बनी हुई अभी हैं। वैसा लगे जी, हाँ तो बाल हमको जैसे अभी पानी रुका हुआ है इधर, और उधर कुछ कर दिया तो झाड़ वगैरह कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कमर साफ कर लिया। तो जी मुकद्दस को जो है ना वो सुला दिया है, अब इधर देखें सुकून से इजी होके सो रही है और इधर दरख्तों को देख रही है, कोयल की आवाज़ आ रही है तो सुन रही है सुकून से। तो अभी ये देखें धुएं निकाले हुए हैं, दूध वाला आ चुका है, तो लकड़ी थोड़ी सी तोड़ी है मैंने और साबरा को दी है, ये देखें। तो आजकल फिर जो है ना लकड़ी की बड़ी कमी हो रही है, और बहन भाई कहते हैं कि आप गैस इस्तेमाल नहीं करते, गैस के तो मामले बहन भाइयों आप देख लें खुद, ये जो तंदूर की रोटी है ना ये हमारे देहात वालों की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है, तंदूर की रोटी। ये देखें ये गैस है, तो गैस भी चला हुआ है, तो इधर चाय बना रहे हैं साथ साथ, तो इधर साथ जो है ना ये तंदूर की रोटी भी जो है ना उसकी लगाने के लिए इसको गर्म करेंगे। तो कोई भी घर में बगैर तंदूर की रोटी इस्तेमाल नहीं कर रहा आप, क्या हुआ? ये केक बिस्किट सुबह लेके आया था मैं, तो अभी चाय जो है ना वो सुबह की हमने नहीं पी, तो अभी चाय पियेंगे, साथ साथ में व्लॉग भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और मज़ा आ रहा है आज शुक्र है कि अब ये कि मौसम आज दरख्त जो है बहुत ही ना अच्छा सब है लोग है ना इकट्ठा हो आ रहे हैं। जी। ये देखें अब दरख्त जो है आस्ता आस्ता घना हो रहा है, कुछ ही दिन में 10-15 दिन तक आप यहाँ से इस दरख्त के दरमियान से सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। हाँ बस ये देखें अभी इस सूरज की किरणें जो है ना नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ ही दिन में ये बिल्कुल कवर कर देगा, और चूल्हे पे यहाँ पे बिल्कुल छाँव होगी, तो साबरा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और साबरा को मैंने बोला है कि ये किचन ऊपर से कवर करते हैं, तो साबरा ने खुद गर्मी इनकार बहुत किया है। यार, गर्मी बहन आ भाई रही है कहते हैं ना, काफी। बहन भाई कहते हैं कि आप कवर नहीं करते, यहाँ पे पिलर बना के इसको कवर करना कोई मुश्किल नहीं था, हमारा ये अंदर वाला किचन है, तो साबरा कहती है कि मैं इसको कवर नहीं करूँगी कभी भी। अंदर नहीं बैठा जाएगा। हाँ मैं जो है ना इसी दरख्त के नीचे जो है ना यहाँ पे रोटी सुकून से बनाऊंगी, क्योंकि हवा आती है, फिर हवा की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कहती है गर्मी नहीं लगती फिर, वरना गर्मी लगती है, फिर पंखा चलाए तो फिर आग नहीं जलेगी। तो ये जिस तरह देहात का सिस्टम चल रहा है ना, तो वैसे ही चला रहे हैं। ये देखो जी धुएं देखो, एक डब्बी पूरी माचिस वाली जो एक डब्बी पूरी है ना, वो सुबह जब आग जलाती है ना बेगम, पूरी डब्बी एक ख़त्म करती है। मैं वो बड़े वाला जो डंडा नहीं होता इसका डब्बियों का, वो ले आता हूँ, वो तकरीबन 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये देखें अब इसको पता है क्या करो, बात सुनो बात सुनो, 2 मिनट के जब तक ये धुआं निकलता रहेगा ये आग नहीं जलेगी, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो खुद ही खुद बखुद जल जाएगी, आप खुद देखना, इजी हो जाओ आप। तो देखते हैं जी कितनी देर में जलती है, वेटिंग वेटिंग लिस्ट पे है काम, लगा दे रहे हो। और नहीं लगा, नहीं लगानी, आप खुद आराम करो बस। वो मुकद्दस के पास धुआं चला जाएगा, मुकद्दस उधर सो रही है, मेरे पास आ रहा है जा रहा। तो आप 1 मिनट तो सब्र करो, बस नजदीक है,
फूंक ऐसे नहीं कभी जलेगी, कभी भी नहीं जलेगी। आपका तरीका कार गलत है। लेट्स सी, नो बहुत मुश्किल है भाई, अभी सब्र करना पड़ेगा। नहीं नहीं जा रही, चाय जी हमारी तैयार हो चुकी है। चाय तैयार हो गया, आग नहीं जली। ये देखेंगे किस किस को चाय पसंद है, आ जाए इंशाल्लाह, पापे भी खिलाएंगे और चाय भी। चलो जल आएगी, आप टेंशन ना लो, सुकून से इजी हो जाओ। आप बिस्किट चाय पियो, ये भी जल आएगी, ठीक है। जबरदस्त शाइनिंग है आज रोटी की। जी आज का व्लॉग आप सबन में कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।